हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुलमी। आज हम नए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 92, जो कि क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट इज इसकी 22 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज हम अपनी पोएम द स्नेक टाइम करेंगे। तो ये पार्ट वन है, आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर करना है। स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सिंग स्टिंग। जो स्नेक क्या करता है, ट्राई करता है कि वो जो उसे लाठी मारते हैं लोग, लोग क्यों लाठी मारते हैं, क्योंकि लोग इसे पॉइजनस समझते हैं, तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, और अपनी जो कर्विंग थिन लॉन्ग बॉडी है उससे वो जल्दी से उससे भागने की कोशिश करता है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस शेप्स। अब आप देखिए, ये उसकी शेप होती है ऐसी तो होती है, कितनी ब्यूटिफुल होती है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। वो पानी के अंदर जाके घुस के अंदर से चले जाते हैं। इन टू द रीड टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। और कुछ होते हैं जो छोटे से होते हैं और हरे कलर के होते हैं, तो वो ना हार्मलेस होते हैं, यानी वो जहरीले सांप नहीं होते और बच्चों के लिए भी वो जहरीले नहीं होते। अब इस स्टैंडा के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फैक्ट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द स्नेक। तो स्नेक के बारे में क्या ट्रू नहीं है, ये ब्यूटीफुल है, हाँ है, हैज़ अ ग्रेसफुल शेप, हाँ है, ग्रीन इन कलर, ये भी है, बट ये हार्म हाइड्स हो रहा था कि हार्म करने के लिए, तो नहीं, ये नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चेज्ड अवे जो आपका वर्ड है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फोर्स टू गो अवे इसे भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ड्राइव अवे को भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, टर्न बैक को भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, पर कैप्टिवेटेड इसे कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ऑन सेंसिंग डेंजर, जब आप डेंजर समझते हैं, द स्नेक वैनिशेज इन, तो स्नेक किस में वैनिश होता है, इन द रिपल ऑफ वाटर अमॉन्ग द ग्रीन रेड्स, तो ये इसी में होता है। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस, जो कि पोएम में नहीं हुआ, पोएम में इमेजरी भी यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन भी हुआ है और मेटाफोर भी हुआ है, एलिट्रेशन नहीं हुआ, तो आप इसमें एलिट्रेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो आप यहाँ से लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग इज़ दैट वी शुड नॉट किल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ फेयर और फ्रॉथ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ वॉज द स्नेक हार्मलेस, तो स्नेक हार्मलेस कैसे हो सकता है, तो पोएट के अकॉर्डिंग जो स्नेक इज कंसाइडर स्नेक डेंजरस तभी होगा जब वो एज मैनी स्पीशीज वेनम दैट हैव ऑफन किल अ पर्सन बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, यानी अगर कोई इंसान किसी चीज़ को परेशान करेगा, जैसे सांप को परेशान कर रहा है, तभी वो काटेगा, वो खुद नहीं काटेगा वो सांप कभी, और जो ज़्यादा डेंजरस जो प्रजातियाँ होती हैं सांप की, वही काटती हैं, वही खतरनाक होती हैं, पर ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो नहीं होते पॉइजनस और वो हार्मलेस भी नहीं होती। थर्ड है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से ओ लेट हिम गो, पोएट का मतलब क्या है जब उसने कहा ओ लेट हिम गो, तो पोएट कहते हैं कि द पोएट विशेज दैट द स्नेक शुड नॉट बी हर्ट, यानी आपको स्नेक को परेशान नहीं करना है, उसे जाने देना है, टू इट एस्केप एंड रीच इट डेस्टिनेशन सेफली, और उसे अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ वो जाना चाहता है उसे जाने देना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ स्नेक, तो स्नेक की ब्यूटी को यानी स्नेक की सुंदरता को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है, तो पोएट ने डिस्क्राइब करा स्नेक की शेप को, एकदम ब्यूटीफुल ग्रेसफुल स्मॉल ग्रीन शेप है उसकी और एक हार्मलेस स्नेक है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आपको पार्ट थर्ड दे रखा है, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं 100 से 120 वर्ड्स में। जो स्नेक इज डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल एंड हार्मलेस क्रिएचर, स्नेक को डिस्क्राइब करा जाता है एक ब्यूटीफुल और हार्मलेस क्रिएचर से। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नेक, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है पोएट का एटीट्यूड स्नेक की तरफ, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आप लिखेंगे जो पोएट है वो एक ऑन द कंटेंट्री हैज़ अ लविंग एंड काइंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्नेक, यानी पोएट की अगर हम बात करें तो उनका एक लविंग और एक काइंड एटीट्यूड है स्नेक के लिए। वो ही डज नॉट फाइंड इट टू बी अगली और टेरिफाइड, इंस्टेंट ही फाइंड्स, उसने ये नहीं देखा कि वो कितना बुरा है, पॉइजनस है, उसने उसकी ब्यूटी उसके एलिगेंस लोगों को दिखाए एज अ पोएम, डिस्प्ले एस्पिरेशंस
एप्रिसिएशन फॉर अपीलिंग लुक ऑफ दिस क्रिएचर, और उसकी लुक्स वगैरह दिखाई हमें, शो करी और उसके गुड थिंग्स हमें बताई। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।